नमस्कार दोस्तों, बिहार एसएससी में 12,199 पोस्ट है और 25 लाख की भीड़ है। एक गाना भी आप लोग देख रहे होंगे कि 25 लाख की भीड़ देखकर डर गए क्या, तो वही डर स्टूडेंट में भी बना हुआ है कि हमारा होगा नहीं होगा, क्या कुछ करे कि इस पूरे भीड़ से कटकर रिजल्ट अलग हो। इस पूरे मुद्दा पर बात करने के लिए ऑफिसर एकेडमी के संस्थापक शशि शरण सर हमारे साथ हैं और सर हर मुद्दे पर स्ट्रेटजी इतना अच्छा बताते हैं कि छात्रों को काफी पसंद आता है। तो पूरा जो बिहार एसएससी का मुद्दा है, कैसे पढ़ना है, तैयारी कैसे करना है, टॉपिक वाइज क्या कुछ अंतर देखने को मिलेगा, किताबें कौन सी पढ़ना है, सारी चीजों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सर। 25 लाख की भीड़ अलग कैसे होना है? देखिए, ऐसे भी बहुत सारे भारत में वैकेंसीज आई हैं जिनमें 25 लाख से ज्यादा भी छात्र एग्जाम देते हैं, तो क्या 25 लाख की भीड़ देखकर ये बिहार के छात्र डरेंगे क्या? नहीं। अच्छा। ये बिहार की धरती है, ये वैसे छात्रों की धरती है जिसने अपने आप को हर बार साबित किया, और ये बिहार के जो बच्चे हैं, ये बिहार के बच्चे फिर से प्रूव करेंगे। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, भीड़ चाहे किसकी भी हो, जो व्यक्ति जितना ज्यादा कलम घिसेगा, जो व्यक्ति अपना पसीना जितना ज्यादा बहाएगा, जो व्यक्ति सुबह को सुबह नहीं और शाम को शाम नहीं समझेगा, जो व्यक्ति सबसे ज्यादा सेट प्रैक्टिस करेगा और जो व्यक्ति पढ़ने के बाद टेस्ट सीरीज देगा, वो व्यक्ति सफलता के सूची में अपना नाम अंकित करवाएगा। और इसको ना आप ना मैं या ना कोई रोक सकता है, इस बात को याद रखिए। सर आपका आवाज इतना बोल्ड है कि हमको रुक जाना पड़ रहा था, लेकिन हम ये कह रहे हैं 25 लाख की भीड़ और एग्जाम में होती है, जैसे रेलवे का आता है तो 1-1 करोड़ फॉर्म है, लेकिन सीटें भी ज्यादा होती हैं सर, इसमें सीट काफी कम है और भीड़ काफी ज्यादा है। देखिए, सीट के ऊपर सीट को कौन डिसाइड करता है, ना आप ना हम। सीट जैसे जैसे लोग रिटायर करते हैं, मान लीजिए कि ये मेरी संस्था है, यहाँ 100 लोगों की काम करने की जगह है, तो क्या मैं 200 लोगों को भर्ती ले लूं? क्या मैं ये कह दूं कि मेरे पास 50,000 लोग का अप्लाई कर दीजिए, 50,000 सीटें हैं, उनको तनख्वाह भी सरकार को देनी है? तो ऐसी परिस्थिति में सीट को जारी करने की एक निश्चित प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया के अधीन सीट जारी होती है। और कई बार ऐसे देखा गया है कि सीटें बाद में जोड़ भी दी जाती है, क्या आपने देखा है या नहीं देखा है? चाहे वो बिहार लोक सेवा आयोग की वैकेंसी रही हो, तो इसमें भी वैकेंसी सकता है जोड़ दिया। देखिए, ये ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं, बात इस बात की है कि छात्र मेहनत करें और छात्र जब कलम घिसेंगे, घर बैठकर पढ़ेंगे, शिक्षण संस्थानों में जाकर पढ़ेंगे, जिसका जहां दिल भरता है वहां से पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडी करके पढ़ेंगे, सबका रिजल्ट होगा। बस एक ही शर्त है कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा मेहनत करेगा, वो सफलता की सूची में उसका नाम उतना ही ऊपर होगा, ये बात तय है। स्ट्रेटजी क्या होने वाला है सर, क्योंकि बिहार एसएससी पहले से भी ग्रेजुएट लेवल का भी फाइनल रिजल्ट आया है, और इंटर स्तरीय का इतिहास थोड़ा खराब रहा है बिहार एसएससी का। 2013-14 में वैकेंसी आई थी, अभी क्लियर हुई है कि नहीं उसका भी पता। देखिए, इतिहास जो रहा वो रहा, वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रेटजी बहुत डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। देखिए, इस बात को समझिए कि आपको लड़ना किन से है। आपकी जो 25 लाख की भीड़ है, इसमें आधे लोग ऐसे होते हैं जो नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं। अच्छा, हमारे भी दौर में हमारे पिताजी कहते थे कि फॉर्म भर दो, जाके एग्जाम दो, देखो तो कैसा है। तो सीरियस वर्सेस नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स की संख्या भी ऊपर नीचे होती है। आजकल बच्चे काफी मेहनत कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं। दो तीन बातों का बड़ा ध्यान रखना होगा। आप मुझे बताइए कि कोई व्यक्ति सुबह 9 बजे बेड छोड़ के उठता है, 11 बजे अपनी पढ़ाई शुरू करता है, और कोई व्यक्ति सुबह 5 बजे जब तक 5 से 9 पढ़ लेता है, तो ये तो तय है ना कि जो व्यक्ति सुबह 5 बजे उठ के 4 घंटा अपनी दिन को एक्स्ट्रा पढ़ाई कर रहा है, वो आगे निकलेगा या नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। तो सबसे पहले आज की दौर में पढ़ाई का समय इसलिए भी कम हो गया है क्योंकि हम लेट रात तक जगते हैं और लेट सुबह में उठते हैं, और दोनों जगह समय बर्बाद करते हैं। बिल्कुल सुबह 10 बजे 11 बजे तक हम अंगराई लेकर 9 बजे उठते हैं, फ्रेश होते होते 10 11 बज जाता है। तो छात्रों को पहला काम ये करना है कि थोड़ा अपने जो शिफ्ट है उसको थोड़ा नीचे कर लेना है। 5-6 बजे तक वो अपनी पढ़ाई अगर शुरू करते हैं सुबह के, तो वो 3-4 घंटे ज्यादा पढ़ पाएंगे आम विद्यार्थियों के मुकाबले। नंबर वन, मुझे एक बात बता दीजिए, 90% लोग या यूं कह लें कि 60-70% ऐसे लोग होंगे जो रात में, यूं कहें तो रात में यार लगभग 100% लोग आजकल 12 बजे के बाद सोते हैं, ये फैक्ट है। अब मुझे लेकिन एक बात ये भी बताइए, आप भी रात में जब 9, 9:30, 10 बजे आप बेड पर जाते हैं खाना खाने के बाद, तो 10 बजे से लेकर रील्स को स्क्रॉल करते करते, मोबाइल स्क्रॉल, यूट्यूब करते करते आप रात को 1 बजे बता देते हैं? तो बस निवेदन इतना है कि जब 10 बजे आपकी दिनचर्या पूरी हो जाती है, कोई जरूरत नहीं है कि रात भर जग के पढ़ना है, नहीं आवश्यक है। आवश्यकता इस बात की है कि अगर 10 बजे आपकी दिनचर्या पूरी हो जाए, आप खाना पीना खा के आराम से मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए और स्विच ऑफ करके छोड़ दीजिए सुबह 5 बजे का अलार्म लगा के। 10 बजे आप बेड पर जाएंगे, 1 बजे जो आप जाते थे 4 घंटा यहां बचाएंगे, सुबह 4 घंटा वहां बचाएंगे, आपकी जिंदगी बहुत मस्त चलेगी, आपकी नींद पूरी होगी और पढ़ाई के लिए ज्यादा से ज्यादा समय मिलेगा। तो सबसे पहली बात यह है। दूसरे बात, सिलेबस पर थोड़ा चर्चा करते हैं सर। बिल्कुल, 50 रीजनिंग है सर और 25 मैथ, 75 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग होने वाले हैं, और आप चूंकि मैथ के काफी अच्छे ज्ञाता है सर, क्या कुछ करना चाहिए मैथ और रीजनिंग के? देखिए, हर विषय के बारे में बहुत ज्यादा टिप्पणी तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन ये बात है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपने ये प्रोवर्ब सुना होगा, हमने स्कूलों के दौर में हम पढ़े हैं।
तो मैथ्स की जहां तक बात है तो मैथ्स में बेसिकली तीन सेक्शन होते हैं, एक परसेंटेज बेस्ड चैप्टर्स होते हैं, अगर आपका प्रतिशत का ज्ञान बहुत अच्छा है तो आप परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस SICI डिस्काउंट ऐसे चैप्टर्स डेटा इंटरप्रिटेशन ऐसे चैप्टर्स को काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल डेफिनेटली। और भारत का हर टीचर आज के डेट में बहुत अच्छा पढ़ाता है, जिन भी टीचर से आप बिहार में भारत में कहीं भी पढ़ रहे हैं वो शानदार पढ़ाते हैं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। दूसरा आते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अगर रेशियो के कॉन्सेप्ट्स आपके काफी ज्यादा अच्छे हैं तो आप रेशियो को पूरा सॉल्व कर पाएंगे, टाइम एंड वर्क को कर पाएंगे, टाइम एंड डिस्टेंस को कर पाएंगे, स्पीड को देख पाएंगे, उसके अलावा आप आगे बढ़ेंगे तो पाइथन सिस्टम को देख पाएंगे, बोट एंड स्ट्रीम को देख पाएंगे, तो रेशियो से रिलेटेड जितने टॉपिक्स उनको आप कवर कर पाएंगे। तो एक बार अगर रेशियो के कॉन्सेप्ट्स को आप बहुत अच्छा कर लेते हैं तो ये बना पाएंगे। उसके बाद आपको नॉर्मल एलजेब्रा और अगर वो पोर्शन आता है तो उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कुल मिला के बात यह है कि आप टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ें। ये जो अंधी भीड़ दौड़ जाती है कि प्रैक्टिस करो, टेस्ट सीरीज लगाओ, भाई एक मुझे बात बताओ, आपने कोई बल्लेबाजी सीखनी है, आपको क्रिकेट सीखना है तो क्या पहले दिन आप बैट लेकर बॉलर को फेस करने लगोगे? नहीं, आप पहले नेट में प्रैक्टिस करोगे, आप अपनी तैयारी पूरी करोगे। तो छात्रों से मेरा निवेदन बस इतना ही हाथ जोड़ के कि वो अपने सिलेबस को पहले एक बार शुरू से लेकर अंत तक फिनिश कर ले। अगर आपने मैथ्स किसी भी टीचर से पढ़ा, सब लोग शानदार पढ़ाते हैं, किसी भी शिक्षक से आपने पढ़ा है तो आप पहले सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद टॉपिक वाइज प्रैक्टिस लगाना शुरू करिए। थर्ड, जो गलतियां आपसे हुई हैं, मेरे दौर में जब मैं पढ़ाई करता था उस टाइम पीरियड की, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं। मैंने अपने जीवन में लगभग 5 से ज्यादा सरकारी नौकरी छोड़ी है, बहुत लोगों को यह बात पता होगी, बहुत लोगों को नहीं पता होगी, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जब आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं रविरंजन जी, तो टेस्ट सीरीज में मान लीजिए कि 100 नंबर का क्वेश्चन था, 100 क्वेश्चन था, एक बच्चा SSC का टेस्ट लगा रहा है, बिहार SSC का, अगर वो 100 क्वेश्चन का टेस्ट लगा रहा है, उसको 60 नंबर आए हैं ना, जो 60 प्रश्न उसके सही हुए हैं, वो रात में सोया है, उठो उठो, वही क्वेश्चन अगर मैं दे दूं तो वो 60 के जगह 58 उसके फिर भी सही होंगे, क्योंकि जो चीजें आपको आती हैं वो आपसे दिन हो या रात हो, आधी नींद में हो या पूरी नींद में आपसे बन जाएगा। एनालिसिस उस बात का करना है कि जो प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं उनको कॉपी में उतारें और प्रश्न को लिखें। लोग आंसर्स बनाते हैं, जो क्वेश्चन गलत होते हैं हमारे टाइम पीरियड में हम लोग जांग पर लिख देते थे क्वेश्चन को। अच्छा, तो वैसी परिस्थिति में क्वेश्चन लिखना भी बहुत महत्वपूर्ण है ताकि आप क्वेश्चन की बारीकियों को समझ सकें। सर, अगर रीजनिंग की बात करें, सभी छात्रों का रीजनिंग ठीक ठाक होता है, एक गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं कि रीजनिंग पर क्या ध्यान देना है, ये तो बन ही जाएगा। लेकिन अभी के एग्जाम में जिस तरह से रीजनिंग का लेवल बढ़ा रहा है सर, कैलकुलेटिव रीजनिंग हो, सीरीज हो या जो भी एनालिटिकल हो, काफी टाइम टेकन रीजनिंग पूछ रहा है और समय रीजनिंग खा जा रहा है सर, और छात्र काफी फंस रहे हैं रीजनिंग में। रीजनिंग के लिए बहुत सिंपल सा है, अगर आसान है प्रश्न तो क्या सबके लिए आसान है या नहीं है? अगर प्रश्नों का स्तर कम है, लो लेवल का प्रश्न है, अगर प्रश्न आसान है तो आपको भी आसान लगेगा, मुझे भी लगेगा, इन्हें भी और इन्हें भी लगेगा। तो आप तो मनाइए ये कि प्रश्न कठिन आए ताकि जो टैलेंटेड बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत करा है उनको ज्यादा नंबर मिलेगा, वो बना पाएंगे। लेकिन अगर प्रश्नों का एक समान स्तर रहता है तो लोग टाइम का बचाना भूल जाते हैं, टाइम बचाना भूल जाते हैं। मतलब होती क्या है कि आप सोचेंगे कि 50 का 50 रीजनिंग बना दे, मालूम चला उसमें सारा समय बीत गया, बाकी सेक्शन आपके छूट गए। तो वैसे चूंकि ये ऑनलाइन एग्जाम तो है नहीं, ऑनलाइन में तो सेक्शनल होता है कि सेक्शन का टाइम खुलता है, बैंक वगैरह का एग्जाम जब आप देंगे तो एक सेक्शन के लिए निर्धारित समय 20 मिनट अपने आप बदल जाता है, जितना बना या नहीं बना। लेकिन यहां तो वो चीजें नहीं है, यहां तो आपके पास, तो आप टाइम को बचाने के लिए प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएं, ज्यादा से ज्यादा सेट प्रैक्टिस करें, और जिन चैप्टर्स में दिक्कत है, अब मान लीजिए कि आप सिटिंग बनाने बैठ जाएंगे, इट विल टेक टाइम, आप पजल सॉल्व करने लगेंगे, हो सकता है कि आप टाइम लगेगा। तो आप चतुर रहें, आप ये भी देखें कि आप अगर 5 क्वेश्चन यहां पे छोड़ रहे हैं तो आप इन समयों के अंदर में 8-10 क्वेश्चन GS का बना सकते हैं, 8-7-8 क्वेश्चन आप मैथ्स का बना सकते हैं, तो उन 5 क्वेश्चनों की सैक्रिफाइस कर दें और वहां जाकर टाइम को इन्वेस्ट कर दें। जीके और GS सर, साइंस और आर्ट दोनों को कैसे करना है सर? देखिए, करना ये जो पढ़ेगा उसी का होगा, करना इसमें कोई नहीं बात नहीं है, ये फिक्स है कि हिस्ट्री ना आप जानते हैं कि कितना क्वेश्चन आएगा, कोई बता सकता है क्या? और इसका कोई लेवल भी नहीं है, इसका कोई लेवल नहीं है। और क्या मैं बता पाऊंगा क्या कि इतिहास, पिछली बार मान लीजिए कि हिस्ट्री 5 क्वेश्चन आया था तो क्या गारंटी आप या हम लेंगे या कोई भी व्यक्ति लेगा कि इस बार भी 5 ही हिस्ट्री आएगा? नहीं, ये ट्रेंड एनालिसिस होता है साहब। ट्रेंड एनालिसिस में कहीं सिलेबस में लिख के दिया है क्या कि हम 6 क्वेश्चन इतिहास पूछेंगे, इतना क्वेश्चन भूगोल पूछेंगे? नहीं, ये स्पेकुलेशंस होते हैं, ये हमारे ट्रेंड एनालिसिस होते हैं। तो उन ट्रेंड एनालिसिस के ऊपर जब हम बात करते हैं, लेकिन परीक्षा आजकल ट्रेंडों को पीछे छोड़ दे रही है, इसलिए तैयारी संपूर्ण होनी चाहिए। और कोई भी एक बच्चा जो बहुत दिनों से 1 साल 2 साल 1.5 साल से पढ़ रहा है, 6 महीने से पढ़ाई कर रहा है, अगर सामान्य अध्ययन उसने पढ़ा है, इतिहास पढ़ा है, भूगोल पढ़ा है, भारतीय राजव्यवस्था पढ़ी है, उसके साथ ही साथ इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था पढ़ी है, तो ये सारी चीजें अगर उसने पढ़ाई करी है तो प्रश्नों का स्तर काफी ऊंचा नहीं होता है, पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा ले तो काम चल जाएगा। टेस्ट सीरीज कितना करना है सर एक दिन में? आप कह रहे हैं कि टेस्ट सीरीज के पीछे मत दौड़िए, टेस्ट सीरीज कब करना है और कितना करना है? एक बात मुझे ये बताइए कि आप टेस्ट सीरीज कब लगाएंगे, जब आपको आता हो? बिल्कुल, क्या
क्या आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से सब कुछ सीख जाएंगे? नहीं, नहीं सीखेंगे। तो अगर आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है, अगर आपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है, अगर आपके थ्योरी पोर्शंस पूरे कंप्लीट हो गए हैं, आप किसी शिक्षक में या सेल्फ स्टडी से या एनसीईआरटी की पुस्तकों का अध्ययन करने आपने पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है, आप आज से एक दो तीन जितनी मर्जी जितनी आपकी क्षमता है उतना आप लगाइए। इसीलिए मैंने कहा था कि जितनी क्षमता है उतना निचोड़ देंगे, बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ देंगे। तो आप छात्रों के भीतर जितनी क्षमता है अपने आप को निचोड़ दीजिए, सफलता कदम चुमेगी आपकी, ये तय। सर आप कह रहे हैं कि 10 बजे सो जाना है और इस समय एक और है जो लोग सोने नहीं देती हैं, पापा की परी और सभी छात्रों का एक गर्लफ्रेंड जरूर है सर, उनको क्या बोलिएगा, इनको मैनेज कैसे करना है? देखिए एक बात मैं कहता हूँ इस युवा पीढ़ी से, हाँ। है ना, कि जिनको जिनको आप रोज जाकर नोट्स पहुंचा रहे हैं, हाँ। वो आने वाले दिनों में किसी और को रोटियां बनाकर खिलाएंगी, हाँ। इसलिए चेत जाइए और चुपचाप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। अच्छा मतलब आज जो आपकी है वो कल किसी और की। मैंने यही कहा, वो मैं नहीं जानता हूँ, मैं इन चीजों पे बोलता नहीं हूँ, लेकिन मैंने इतना कहा कि जिसको जिसको दौड़ के आप रोज नोट्स पहुंचा रहे हैं, वो आने वाले बहुत कुछ कम दिनों के अंदर में वो रोटियां किसी और को बना के खिलाएंगी। तो आप इसलिए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, रोटी बना के खिलाने वाली और आपके साथ जीवन को बिताने वाली और आपके साथ नौकरी करने साथ में जाने वाली लड़कियां आपकी माँ बाप आपके लिए ढूंढ देंगे, आप चिंता मत कीजिए, अपने हिसाब से कलम घिसते हैं। इतना अच्छा मोटिवेट करते हैं और आपकी शायरियां काफी वायरल है सर, मोटिवेशन वाली, कोई एक शायरी सर हमारे छात्रों को कुछ क्या बोले? देखिए शायरी तो नहीं, लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, एक कविता तो नहीं, मैं दो तीन बातें कहना चाहता हूँ इन छात्रों से। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप पटना दिल्ली जहां जहां रह रहे हैं, आप याद करिए कि आपके नौकरी हो जाने से आपके परिवार में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा, आपके समाज में कितनी बड़ी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपके पिताजी और आपकी माँ जिस कोने में घर के बैठ के इंतजार करती होगी, आपकी माँ अगर आप पटना दिल्ली में रह के पढ़ रहे हैं तो परमपिता परमेश्वर से रोज पूजा घर में यही प्रार्थना करती होगी कि हे माता रानी हमारा कुछ मत दियो लेकिन हमारे बाल बच्चा के तू सफल बना दियो। तो उस माँ की लाज बचाने के लिए इस पटना नगर में इस रंगीन दुनिया से बाहर निकलिए, ये मोमोज खाने वाले ठेला की भीड़ पर, ये दुकान पर जाकर चाय पीने वाले दोस्तों के साथ समय बर्बाद करने से लेकर के इधर उधर की बातें करना, रात में लॉज में बैठ के गपशप करना, इधर उधर का कहानियां सुनना और यूट्यूब में और रील्स देखना स्क्रॉल करना, इसको बंद कीजिए और याद करिए आंख बंद करके आपकी माँ क्या सोचती होगी, इंतजार कर रही है आपकी बूढ़ी माँ आपके घर पर आपके सफल होकर लौटने का। इस बात के लिए अगर लाज थोड़ा सा अगर आंख में होगा तो उतर जाइए, कलम घिसिए, अपने खूनों में रगों की रफ्तार को दुगनी करिए और उतर जाइए मैदान में और सफलता का परचम लहराकर अपने माँ बाप के चेहरों पर खुशी और मुस्कान दीजिए, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। तो बाकी आप सुन रहे थे सर जिस तरह से स्ट्रेटेजी पर चर्चा किए हैं, सर का साफ कहना है कि आप 10 बजे बेडरूम अगर बेड पे जाते हैं तो मोबाइल उसी टाइम बंद करिए और सुबह 5 से 9 बजे पढ़ने की बात कर रहे हैं सर, सर का साफ कहना है कि 4 घंटा सुबह में और 4 घंटा इधर अगर आप बचाते हैं तो ये 8 घंटा आपके पूरे जीवन को तय करता है। बाकी जिस तरह से मैथ हो या रीजनिंग हो या साइंस हो, जिन भी चीजों पर सर ने चर्चा किया है, बताए हुए रास्तों को फॉलो जरूर कीजिएगा, क्योंकि लंबा अनुभव है और बीपीएससी शिक्षक में सर ने जिस तरह से इतिहास रचा है आप सभी लोगों को पता ही होगा। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज, जय हिंद।